हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के डीजल मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के 22 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल व दो पहिया वाहन में किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है मैकेनिकल ब्रेक। शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम क्या है? डैम्पर। क्रैक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? फैन बेल्ट। दो स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है पिस्टन के दो स्ट्रोक अथवा फ्रेंक की एक प्रक्रिया में। मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्न में से क्या होता है? ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनना। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जुड़ा होता है अगले पहिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों प्लेनेट गियर घूमते हैं विपरीत दिशा में। जिन पहिए का व्यास 1.5-2 मीटर होता है वो डेस में लगाए जाते हैं स्प्लिट में। निम्न में से प्रोपेलर शाफ्ट का क्या कार्य है? गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाता है। गतिहीन एक्सिल में घूमता है पहिया। लो स्पीड में लगे गियरों के लिए किस गियर को लगाया जाता है? स्पर गियर। प्रोपेलर शाफ्ट के आवाज का क्या कारण है? थोक फ्लेंज का लूज होना। फ्लूड कंपलिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्लूड क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गियर बॉक्स में सभी गियर आपस में मिले होते हैं और सन गियर भी होता है? एपिसाइक्लिक। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? स्टील की पत्तियों द्वारा। सिलेंडर में ऊपरी तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? टीडीसी तथा बीडीसी। ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या सम्मिलित होते हैं जो क्लब को ऑपरेट करते हैं? फुट पैडल। कनेक्टिंग रोड प्राय बनाई जाती है फोर्ज्ड स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोयर एक्सिल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हाफ शाफ्ट। यदि रिम के बीच का भाग गहरा या कम व्यास वाला होता है तो उसे डैश कहते हैं। ड्रम सेंटर रिम। प्रोपेलर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है? स्टील पाइप की। डिफरेंशियल का कार्य निम्न में से क्या है? इंजन की शक्ति को समद्विभाजित करना। कॉन्टैक्ट ज्यादा होने के कारण कौन सा गियर ज्यादा आवाज करता है? हेलिकल। निम्न में से कौन यूनिवर्सल जॉइंट का प्रकार है? क्रॉस टाइप। निम्न में से क्लच का क्या कार्य है? इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रयोग करके इंजन की अधिकतम चाल को बढ़ाया जाता है? गियर बॉक्स। निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? ईंधन जलाने में। ऑपरेटिंग शाफ्ट पर क्लब एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवस्था होती है? एडजस्टिंग नट की। निम्न में से किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार होना क्या कहलाता है? साइकिल। मल्टीप्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है? फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? रेखीय गति को वृत्तीय गति को।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के 22 जनवरी थर्ड शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एग्जाम्स के एनालिसिस आप सबसे जल्दी देख सकें। धन्यवाद।